नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ ईडी सीबीआई सहित सारी जांच एजेंसी आज विपक्ष के निशाने पर हैं। कांग्रेस से लेकर लालू प्रसाद तक, केजरीवाल से लेकर एमके स्टालिन तक और पवार से लेकर ममता बनर्जी तक, सब के सब एक सुर में जांच एजेंसियों के खिलाफ एकजुट हैं। ये कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो कभी हंगामा करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एक जगह से नेता इनका विरोध करते हैं तो दूसरी जगह से समर्थन में खड़ी हो जाती हैं। विपक्षी दलों की इस सियासत पर पीएम मोदी ने जमकर हमला बोला और अरविंद केजरीवाल को अपने रडार पर लिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी की शिकायत की और उन्हें कोर्ट तक घसीटा। अब जब कार्रवाई हो रही है तो गाली उन्हें दी जा रही है। पीएम ने कांग्रेस पार्टी से सवाल किया कि जो सबूत उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिए थे, क्या वे झूठे थे? पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र की जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए गए हैं। कहा गया कि सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भ्रष्टाचार करे आम आदमी पार्टी, शराब घोटाला करे, बच्चों के क्लासरूम बनाने में घोटाला करे, पानी में घोटाला करे और इसकी शिकायत करे कांग्रेस। आम आदमी पार्टी को कोर्ट में घसीट ले जाए कांग्रेस। अब कार्रवाई हो तो गाली मोदी को दे। अब आपस में साथी बन गए हैं ये लोग। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी से कहा कि वो कांग्रेस से जवाब मांगे। वहीं कांग्रेस को भी साफ करने को कहा कि जो आरोप उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर लगाए थे वे सच्चे थे या झूठे। पीएम ने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी वालों से कहना चाहता हूं कि हिम्मत है तो सदन में खड़े होकर कांग्रेस से जवाब मांगो। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी के घोटालों के सबूत देश के सामने रखे थे। अब ये बताएं कि ये जो सबूत उन्होंने दिखाए थे वे सच्चे थे या झूठे। मुझे विश्वास है कि ऐसी चीजों का जवाब देने की हिम्मत नहीं है। इन लोगों का दोहरा रवैया है। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर हाय तौबा करते हैं और वही लोग उसी एजेंसी से केरल के मुख्यमंत्री को जेल भेजने की बात करते हैं। तब लोगों के मन में सवाल उठता है कि इसमें भी दोगलापन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में सरकार में मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल का नाम के साथ शराब घोटाला जुड़ा, तब यही आम आदमी पार्टी चीख चीख कर कहती ईडी सीबीआई लगा दो, अब मुख्यमंत्री जेल में डाल दो, इस मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो। उनको तब ईडी बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन जैसे ही जांच होती है, गिरफ्तारी होती है, ये सब मिलकर गाली देने लगते हैं। यही विपक्ष की सियासत है। शराब घोटाला मामले में पकड़े गए अरविंद केजरीवाल अपने लिए जमानत मांग चुके हैं। जमानत के लिए अब केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रास्ता अपनाया है। साथ ही अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दे चुके हैं।